बच्चों के बर्थडे के लिए केक मंगवाना और बर्थडे मनाना। देखिए जितना भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थडे पार्टीज वगैरह है या केक मंगवाना या इस किस्म की जो कस्टम्स वगैरह है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों की तरफ मत जाएं। जो सच्चा मुसलमान है, अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वाला, जो गैर इस्लामिक चीज़ें हैं इनसे आप परहेज़ करें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो नॉन इस्लामिक कस्टम्स में इन्वॉल्व होगा वो क़यामत वाले दिन उन्हीं लोगों में उठाया जाएगा। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई हस्ती इस दुनिया में है? नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। कभी उनके जो सबसे जो बेस्ट फ्रेंड थे अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, क्या उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केक मंगवा के बर्थडे मनाते थे? क्या हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु उनकी बर्थडे मनाते थे? क्या हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु उनकी बर्थडे मनाते थे? क्या हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु उनकी बर्थडे मनाते थे? क्या हमें कोई ये सारा कॉन्सेप्ट कोई मुझे ला कर दिखा दे कि अबू बकर हो या हज़रत आयशा हो या किसी भी उनकी जो क्लोज गैदरिंग थी, कोई मुझे बता दे कि उस ज़माने में कोई बर्थडे केक मनाते थे या उनकी कोई बर्थडे मनाते थे? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेरी क्लियरली बोल दिया कि जो गैर मुसलमानों की चीज़ों को अपनाएगा वो क़यामत वाले उन्हीं उठाए में जाएगा। अगर आप इसी चीज़ को अगर आप अप्लाई करके देखें, ये जितने भी मुसलमान ये काम कर रहे हैं, क्या ये मुसलमानी काम है या नॉन इस्लामी काम है, वो खुद अपना फैसला कर लें।